मैं जब स्कूल टाइम में थी तो हम एक बिल्डिंग में रहते थे. नाउ वी हैव शिफ्टेड ऑफ कोर्स. सो वहां पर ऐसा था कि दो फ्लोर की वो बिल्डिंग थी और सेकेंड फ्लोर के बाद टेरेस शुरू होता था. सो फर्स्ट फ्लोर पे मेरी एक फ्रेंड रहती थी. शी वॉज नॉट, वो मेरी एकदम अच्छी दोस्त नहीं थी, क्लोज नहीं थी, लेकिन शी वॉज जस्ट माई अ फ्रेंड. और उसके खूब लंबे से बाल थे और काफी पतली थी वो. एंड वेन एवर शी यूज टू, मतलब गो, आई एम वेरी सॉरी, मेरे मुंह से इंग्लिश निकल जाती है. जब भी वो फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर होते हुए टेरेस जाया करती थी तो वो मुझे बुलाया करती थी कि लेट्स गो अप, चलते हैं ऊपर और थोड़ी देर हवा खा के आते हैं. तो हमारा ऐसा था कि हाँ चलो चलते हैं, और हम बातें बातें किया करते थे, ठंडी हवा खाते थे और वापस आ जाते थे. एक वक्त आया जब वो अपने हेल्थ से काफी स्ट्रगल कर रही थी. लाइक हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट हुई और पता नहीं, काफी मेडिसिन के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाई और एक दिन उनकी डेथ हो गई. मैं स्कूल टाइम में थी तो मेरे लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही हार्ड था, बहुत ही मुश्किल था कि मैं जिसके साथ कल तक बात कर रही थी, जो भी छोटी मोटी चीजें शेयर किया करती थी, और अब वो, मैं उनको दीदी बोलती थी, अब वो दीदी नहीं रही. और उनकी डेड बॉडी वहां रूम में थी एंड मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ. मैं अपने घर में से निकल के, बच्चों को अलाउड नहीं होता है वहां जाना, लेकिन मैं वहां गई और मैं वहां लाइक मतलब बहुत रोने लग गई. कुछ दिन बाद राखी थी तो वो सोच के और रोना आ रहा था कि कुछ टाइम बाद राखी है. उस भाई की तरफ देख के मुझे और रोना आ रहा था, उनका एक ही भाई है. ये सब कुछ हुआ, मैं अपने घर आ गई. घर के कोने में मैं बैठ के दुबक के फिर से रो रही थी. मुझे वही चीज याद आ रही थी. मैं पहले बोल चुकी हूँ, मैं इमेजिनेशन में बहुत अच्छी हूँ, तो आंखें बंद कर रही थी तो मुझे वही सब कुछ दिख रहा था मेरे आसपास कि सब लोग रो रहे हैं, उसका भाई रो रहा है और दीदी वहां, शी इज नो मोर. मैंने फर्स्ट टाइम शायद मेरे लाइफ में इतने नजदीक से डेड बॉडी देखी. कुछ टाइम गया, मैं वो चीज से नहीं निकल पाई बिल्कुल भी. मुझे लिटरली यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो गया है. आई गेस आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड. यस, 8th स्टैंडर्ड. सो कुछ टाइम बीता और जब एक रात मैं सोई, मैं आपको पहले से बता देती हूँ कि आई एम द सोल, लाइक मतलब आई एम द सॉरी पर्सन, कि मुझे ये स्पिरिट सोल ये सब का कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है. ना मुझे कभी दिखे हैं टचवुड, ना मुझे कभी एक्सपीरियंस हुआ है. बट जब एक रात मैं सोई तो मुझे एक सपना आया, और सपने में ऑफकोर्स मुझे वो दीदी आई. मेरा फेवरेट कलर येलो है, येलो कलर के कुर्ते पैजामे में मुझे वो दिखी. और कुछ ऐसा दिखा कि मैं बातें कर रही हूँ अपने घर में, मेरा घर का दरवाजा खुला है और वो हमेशा की तरह वहां से पास होती हैं, और जाते वक्त वो चली जा रही हैं ऊपर लेकिन मेरी तरफ मुड़कर नहीं देख रही हैं. और जब वो एकदम टॉप पे पहुंच जाती है तब वहां से वो टर्न करती है अपने खुले वालों से और मुझे पूछती है कि चलें हमेशा की तरह ऊपर. आप सब बिलीव नहीं करेंगे, अगर शायद उस वक्त मैं कह देती हाँ दीदी मैं आती हूँ चलते हैं, तो शायद मैं सुबह उठ नहीं पाती. ऐसा कहा जाता है कि हम स्पिरिट को अगर हाँ कह दे तो उसी वक्त हमारी जान निकल जाती है, समवेयर आई हर्ड. स्वप्निल सर ऑफकोर्स बताएंगे कि सच है कि नहीं. उस वक्त मैंने उनसे कहा दीदी आप चलो मैं आती हूँ. और फिर उन्होंने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया मुझे. उन्होंने कहा ठीक है आशु, 3 साल 3 महीने 3 दिन बाद मैं तुझे लेने आऊंगी. ओह माय गॉड, इट वाज जस्ट अ स्कूल लाइफ. मैं बहुत डरी हुई थी सुबह उठते ही, अभी भी बोलते वक्त मुझे, मैं कांप रही हूँ. ये सब हुआ, मम्मा को मैंने बताया. मम्मा ने शायद टेंशन जाहिर नहीं की, हो सकता उन्हें बहुत कुछ पता हो उस वक्त और मुझे उस वक्त ध्यान, आई एम सॉरी आई एम अनेबल टू स्पीक ऑल्सो राइट नाउ क्योंकि मैं इस वक्त घर में अकेली हूँ. ओके फिर उसके बाद मम्मी डैडी में शायद काफी बातें हुई, उन्होंने मुझे नहीं दिखाया कि वो टेंस्ड हैं.
फिर हम किसी तरह वो जिसपे एक ट्रस्ट करते थे, एक बूढ़े व्यक्ति हैं, तो हम उनके पास हम मुझे ले गए और वहां पर उन्होंने ये सब कुछ बताया। तब उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, बेटा आप दहलीज पे बैठकर रो रहे थे क्या? तो मैं समझ नहीं पाई। तब उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि जब दीदी की डेड बॉडी वहां जो भी उनके कमरे में थी, तो जो रास्ता होता है जहां से निकलता है इंसान, दहलीज कहते हैं उसे, तो क्या आप उस दहलीज पे बैठ के रोई या वहां खड़ी थी, वहां खड़े होके उनको बॉडी को देख रही थी और बहुत दुख था आपको लगता? तो ऐसे जी जी हाँ, मुझे ध्यान है, मैं वहां खड़े स्टक हो गई थी, तो और काफी रूम में भीड़ थी तो जगह भी नहीं थी, तो मैं वहां शायद हाँ खड़ी थी। तो उन्होंने बोला कि हमेशा बॉडी से आत्मा जब निकलती है तो वो निकलते वक्त जिसको देखती है वहां दहलीज, स्पेशली इसलिए कहते हैं दहलीज पर इस तरह नहीं बैठना चाहिए, तो उन्होंने शायद आपको देखा और इसीलिए वो आपको ले जाना चाहती थी। और फिर उन्होंने पता नहीं क्या तावीज या कुछ मुझे दिया था बांधकर, और मैंने वो रखा। सो आई ऑल्सो डोंट नो मेरे फैमिली वाले को, एवरी वन, लाइक 3 साल 3 महीने 3 दिन कब पूरा हुआ। मैं स्कूल से निकल के जॉब पे लग चुकी थी, और एज जैसे मैंने कहा कि मैं टीचर हूँ, तो मेरी शुरुआत टीचर से ही हुई, मैं स्कूल में पढ़ाती थी। और वो जो दिन था, जो वो दिन पूरा हो रहा था, उस दिन मैं बच्चों को पिकनिक लेकर जा रही थी अपने स्कूल से, एंड आप सब बिलीव नहीं करेंगे, मैं इतना रो रही थी घर में कि मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मैं जा रही हूँ ठीक है, मेरे साथ बच्चे जा रहे हैं, तो मैं उनकी जान को नहीं, मतलब वो खतरे में डाल सकती अगर कुछ भी होता है तो। मम्मी ने मुझे काफी दिलासा दिया, डैडी ने भी, मतलब मुझे उन्होंने समझाया। एज यूजुअल उन्होंने जाहिर नहीं किया कि सब, मतलब मैं डरी हुई हूँ, इसलिए उन्होंने अपना डर जाहिर नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे भेजा। और जैसे कि हमेशा की तरह मैं बचपन से हनुमान जी का नाम लेते आई हूँ, और मुझे अभी भी फील होता है कि वो मेरे ही आसपास हैं, मेरी हमेशा रक्षा करते हैं। तो उनका नाम लेके मैं गई, और उनकी दया से मैं वापस आई अपने क्लास के सभी बच्चों को सुरक्षित लेकर। सो यस, दिस वॉज माई स्टोरी। और उसके बाद में फिर वो मुझे कभी दिखाई नहीं दी। एंड थैंक यू, थैंक्स टू दैट बाबा जी जहाँ लेके गए थे मुझे, वो बूढ़े व्यक्ति के पास। एंड ऑफकोर्स थैंक यू टू द हनुमान जी, जिन पे हमेशा से मैंने ट्रस्ट किया है।